अस्सलामुअलैकुम, मैं एक दफ़ा फिर साहिवाल शिनवारी पे आया हूँ और आज मैंने ऑर्डर किया है चिकन कढ़ाई और आज मैं उसका टेस्ट आपको बताऊँगा कि कैसा है। लास्ट टाइम मैंने चपली कबाब और साथ गुलाब जामुन वगैरह का ट्राई किया था, तो आज मैं चिकन कढ़ाई का ट्राई करूँगा और आपको बताऊँगा उसका जायका कैसा है। तो मैं आपकी इसकी मेकिंग भी दिखाऊँगा प्रॉपर कि ये कैसे यहाँ पर तैयार की जाती है और इसका टेस्ट भी बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है यहाँ पर। भाई ये कौन सी कढ़ाई आप तैयार कर रहे हो? ये चिकन मखनी कढ़ाई तैयार हो रही है। इसके क्या स्पेशल है इसमें? क्रीम डलती है इसके अंदर। ये भाई आप ऊपर क्रीम डाल रहे हैं इसके ऊपर, ये इसके ऊपर क्रीम डाल रहे हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा इस पर क्रीम डाली जा रही है। मटन बिरयानी को ये देखें इसके ऊपर क्रीम डाल रहे हैं और इसको अच्छे से आप मिक्स कर रहे हैं ताकि क्रीम उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनने वाला है, जैसे उसमें नज़र आ रही है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। आपको बाद में मैं चेक करके दिखाऊंगा कि ये बहुत अच्छी बनी होगी, शक्ल ही बता देती है कि क्या चीज़ क्या बनी है। भाई ये कौन कौन से लगा रखे हैं आपने? ये कसूरी बोटी, ये मलाई बोटी। ये कसूरी बोटी और ये वह साथ वाली मलाई बोटी। हाँ जी, उसके ऊपर हमने वो ये चीज़ लगाएंगे, उसके ऊपर ये क्या चीज़ है? ये चैटर चीज़ है। ये चैटर चीज़ इसके ऊपर लगाएंगे तो कब लगाएंगे इसके ऊपर? ये अभी लगा देता है आप लगा देंगे यार, मैं दिखाएंगे कैसे। ये चैटर चीज़ इसके ऊपर लगा रहे हैं और उसके बाद दोबारा इसको ऊपर रखेंगे कोयलों पे गर्म करेंगे, इसका मेल्ट हो जाएगी, फिर इसको जो है सर्व करेंगे। इनका क्या नाम था? नाम है कस्तूरी बोटी। कस्तूरी बोटी जी। ये बहुत मज़े के लग रहे हैं और उसके ऊपर चैटर चीज़ लगाई है ये भाई ने, ये ज़रूर नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे, ये दोबारा इसको उसके ऊपर रखेंगे ये चैटर चीज़, ये मेल्ट हो जाएगी इसके ऊपर रखने से मेरे ख्याल से। ये बहुत अच्छा टेस्ट जायका बनाने ये कितने टाइम में तैयार हो जाती है? अभी तैयार हो जाएगी, ये अभी रेडी हो जाएगी। ये रेडी हो जाएगी, ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। ये चैटर चीज़ देखें, ये मेल्ट हो रही है, यहाँ देखें ये प्रॉपर ये बन रही है, बहुत मज़े का जायका देगी ये। ये भाई क्या लगा रहे हैं आप? ये सर हम दमपुक लगा रहे हैं। दमपुक लगा रहे हैं? ये कितना के जी सर? ये 5 kg। ये 5 kg दमपुक लगा रहे हैं भाई सर। ये हम पचिली में स्टीम होता है। अच्छा अच्छा, पहले पचिली में स्टीम होता है उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं। 10-15 मिनट में बारबेक्यू करवाना है। 10-15 मिनट में बारबेक्यू तैयार करना। ठीक ठीक। इसके ऊपर लेमन और नमक लगाना है भाई ने, बस ये देखें ये नमक डाल रहे हैं भाई ऊपर और ये अभी उसके ऊपर लेमन डालेंगे, ये देखें। और ये 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाना है, ये देखें इसके ऊपर लेमन डालेंगे, ये देखें ये देखें ये लेमन डाल रहे हैं। ये बहुत अच्छा जायका देगा जैसा ये भाई बना रहे हैं, इसके ऊपर लेमन डाल के ये देखें बहुत ज़्यादा लेमन डाल के ये बहुत अच्छा जायका देने वाला है। ये साइड बदलते रहना है और 15 मिनट बाद ये तैयार हो जाएगा। दोनों साइड पे ये नमक और इसके ऊपर लेमन डाल देना है भाई ने। यहाँ पे ये भाई चपली कबाब बना रहे हैं। ये भाई कौन से वाला चपली कबाब बना रहे हैं? बीफ। चिकन बीफ।
ये बीफ चपली कबाब बना रहे हैं, जो मैं लास्ट के व्लॉग में भी आपको ट्राई करके दिखाया था, इसका बहुत अच्छा जायका है। और ये बीफ और ये साथ चिकन चपली कबाब लगे हैं, उनका बहुत अच्छा जायका है। तो भाई यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, और कढ़ाई हमारी यहाँ पे आ गई है, तो मैं अभी आपको इसका टेस्ट बताता हूँ। ये शक्ल से बहुत प्यारी लग रही है, बहुत टेस्ट और लजीज लग रही है। मैं अभी आपको ट्राई करके दिखाता हूँ कि ये कैसी बनी है। ये देखिए, ये बहुत लजीज और क्रीमी है, बहुत मज़े का टेस्ट है, साथ ये हरी मिर्च के साथ। मैं अभी आपको इसको ट्राई करके दिखाता हूँ, फुल क्रीमी टेस्ट आ रहा है और साथ हरी मिर्च का जो टेस्ट आ रहा है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अभी मैं मारकोट पे जाऊंगा, वहाँ आइसक्रीम ट्राई करूंगा उनकी, और आपका उसको टेस्ट आपको उसका टेस्ट बताऊंगा, उसका टेस्ट कैसा है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पूरा ब्लॉग भी बनाऊंगा मैं उस पर। और ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग साहिवाल में देख रहे हैं वो चाहते हैं कि मैं और रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करूँ, तो काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा स्पेशल जाके, और आपको उनका टेस्ट बताऊँगा कि कैसा टेस्ट है। बहुत शुक्रिया। ये अब हम मारकोट पे आए हैं, यहाँ ब्रेडोन साहिवाल में। तो अब हम मैं आपको आइसक्रीम ट्राई करके दिखाता हूँ। ये मारकोट की आइसक्रीम है और इसका बहुत अच्छा जायका है, बहुत मज़े की, जो ऊपर डाला हुआ है क्रंच, बहुत क्रंची आता है पहले जायका। अभी मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, बहुत मज़े का और क्रंची जायका आता है इसका, जरूर ट्राई करिएगा। खाने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा करवाती है ये, तो मैं आपको ये ट्राई करके और बताता हूँ इसके बारे में और कितनी मज़े की। और इनके मेन्यू में बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, बाकी भी आप ट्राई करिएगा। ये कौन आइसक्रीम है इनकी, और इसका क्रंची जायका है बहुत ज़्यादा, ये मुझे मेरी सबसे फेवरेट है, मैं हमेशा यही खाने आता हूँ यहाँ से, नंबर वन।